हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के सिन्हा कक्षा 8 अध्याय 5 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, वह कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में अक्षरों के मान ज्ञात करे तथा संबंध चरणों के लिए कारण भी दे। ठीक है, इनका जो है वह यानी कि मान ज्ञात करना है और जो हुआ है यानी कि संबंध चरणों के लिए इनका कारण भी लिखना है। ठीक है, बात देखिए, ये जो है वो हम पहले यानी कि वैसे ही बनाते हैं। देखिए, ये जो है वो 3 एक स्थान पर बक्सा दे दीजिए और ये 2 और ये 5 दे दीजिए। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये बी और ये यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो देखिए बुआ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या देंगे कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर, यहाँ पे जो है हुआ यानी कि ये जो है वो बक्सा में जो है हुआ एक स्थान पे जो है हुआ क्या देंगे कि यहाँ पे जोड़ने पे 2 आएगा। तो आप जो है हुआ कहिएगा 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है, तो यहाँ पे 7 दे देंगे। तो 7 5 12 2 हासिल 1 हो जाएगा। तो देखिए 3 2 5 1 6 बी का स्थान पे 6 हो जाएगा, यानी बी का स्थान पे 6 और एक स्थान पे 7 हो जाएगा। तो ये तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इनका जो है हुआ यानी कि कारण विकार है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यानी कि संबंध चरणों के लिए कारण है ना, चरण लिख दीजिएगा, चरण लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा। देखिए, ए और 5 के जोड़ेंगे, ए और 5 के जब हम जोड़ेंगे तो ये जो है वो योगफल कितना प्राप्त होना चाहिए, तो 2 प्राप्त होना चाहिए। यानी कि 5 और जो है वो जैसे हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखे थे ना, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे जो है वो हम ए प्लस 5 को जोड़ने, ए प्लस 5 को जोड़ने पर इकाई इकाई का अंक, इकाई का अंक जो है वह यानी क्या आना चाहिए, इकाई का अंक 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। और जो है वह और ए का मान 0 से 9 तक का अंक हो सकता है, हो सकता है। देखिए बुआ, जब हम ये जो है वो ए प्लस 5 को जब जोड़ेंगे तो इकाई स्थान पे तो 2 होना चाहिए और ए का मान जो है वो 0 से 9 तक का अंक जो है वो हो सकता है। अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः ये जो है वो ए बराबर जो है वो यानी कि 7, ए बराबर क्या दे दीजिएगा, 7, ए बराबर 7, क्योंकि यहाँ पे जो है हुआ 7 प्लस 5, इस दोनों को जोड़ते हैं तो 7 5 12, इनके इकाई स्थान पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इनके इकाई स्थान पे 2 आ रहा है, जिसके इकाई का अंक 2 है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, जिसके इकाई इकाई का अंक 2 है, 2 है, इनके इकाई का अंक 2 है और यहाँ पे एक हासिल बच रहा है, यहाँ पे एक हासिल बच रहा है, एक भी यानी कि इसमें जुड़ेगा। तो फिर यहाँ पे लिखेगा पुनः, ये जो है वह 1 प्लस ये 3 और ये प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 बराबर b, तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा हमारा 3 2 5 1 6, b बराबर 6, a बराबर 7, ये दोनों जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए, अब जो है हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, अब जो है हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।